मतलब क्या? मतलब हर छोटे छोटे अपडेट के लिए आपको क्या ऊपर वाले का वेट करना पड़ेगा? अगर नहीं करना तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर बटन दबाओ, जिससे कि आपको सारे अपडेट पहले मिले। बात तो सही है। आज हम बात करने वाले हैं टाइम ट्रेवल वाले भैया की। अबे पेट में किसका बच्चा लेके घूम रहा है बे? म्याऊ। मैं डोरेमोन की बात नहीं कर रहा हूँ, कैंग की बात कर रहा हूँ, जो कि एवेंजर्स की आने वाले टाइम में फाड़ने वाले ढंग से 2025 में। And ages of cosmic harmony, hence. You're welcome. जैसे कि साल 2019 में एवेंजर्स एंड गेम रिलीज हुई थी, जिसने कि पूरे वर्ल्ड में धमाका मचा दिया था। ठगिए, उनसे एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगा, जहां के लोगों को कुछ खोने का नहीं, सिर्फ मेरे होने का एहसास होगा। अब ऐसे ही एमसीयू की 2019 के बाद करीब 5 साल बाद एक मूवी आ रही है, एवेंजर कैंग डायनेस्टी। और इस मूवी के बारे में जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। तो इस मूवी के डायरेक्टर कंफर्म हो चुके हैं, राइटर्स कंफर्म हो चुके हैं, पर अब इस मूवी के ऊपर प्रॉपर काम कब से स्टार्ट होगा? तो सबसे पहले जो स्टेज होता है वो होता है स्क्रिप्ट का, और स्क्रिप्ट में काम स्टार्ट होने वाला है अक्टूबर के फर्स्ट वीक से। ऑफिशियली कंफर्मेशन हो चुका है, और जो उसके राइटर्स हैं जिफ लेवनेस, उन्होंने कंफर्म करा है कि अभी वो और किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और जैसे ही वो उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा 2 वीक्स के अंदर, फिर उसके बाद वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से काम स्टार्ट कर देंगे इसकी स्क्रिप्ट पर। और इस मूवी को 2 साल रह गए रिलीज होने में, तो 2 साल तक इसकी स्क्रिप्ट पर, इसके प्रोडक्शन पर, कौन कौन से कास्ट होगी, क्या इसकी स्टोरी होगी, एवरीथिंग, हर चीज़ पर काम होगा। तो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के ऊपर अक्टूबर से काम स्टार्ट होने वाला है, और धीरे धीरे अब हमें अपडेट और भी पता चलेंगे। तो क्या लगता है इस साल 2025 में जो दो एवेंजर्स मूवी रिलीज हो रही हैं, क्या माहौल होगा उस टाइम मार्वल फैंस का इंडिया में? मुझे आपका तो पता नहीं, पर पता कैसे चलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना।